हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर देख सकते हैं जो IDB के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आज उसके बारे में आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपका प्लेसमेंट पोस्टिंग कहाँ पर रहेगा, ठीक है, आपको कितने सैलरी मिलेगा, सब कुछ वीडियो में बोल देंगे। आप वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो से जुड़ा रहिए और 24/7 जॉब इंफॉर्मेशन ऑफिशियल एडमिशन से जुड़ा रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं जो आपका है जो ITB, आपका जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, या आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंतर्गत आपके आता है। यहाँ पर देख ही सकते हैं आपका जो सब इंस्पेक्टर, जिसको बोलते हैं हिंदी में दरोगा, पर यहाँ पर निकला है जॉबर से। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो ग्रुप बी जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है, यहाँ पर आपको टेम्पोरल लाइक टू बी परमानेंट इन दर ITBPS, ठीक है। यहाँ पर आपका आपको पे स्केल 6 आपको सैलरी दिया जाएगा, जो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एबल सर्व एनीवेयर इंडिया और अब्रॉड, ठीक है। द एप्लीकेशन एडवाइस चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अवॉइड डिसअपॉइंटेड एयर स्टेज। यहाँ पर देख सकते हैं कितना वैकेंसी जारी हुआ। यहाँ पर अपन नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, ओवरसेयर देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 37। यहाँ पर आपको जो मेल कैटेगरी है उनके लिए जो रिजर्व करें 7 पोस्ट है। SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है, जो OBC कैंडिडेट्स उनके लिए 15 है, और जो EWS कैटेगरी उनके लिए 3 है, ठीक है। और नीचे वाले जो फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए रिजर्व में 1 है, SC में भी 1 है, और ST में उनके लिए 0 है, और OBC में 3 है, EWS में 0 है। तो टोटल देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स 32 पोस्ट है और फीमेल में आपका है 5, तो टोटल हो गया आपका 37 पोस्ट। द वैकेंसी आपका टेंटेटिवली इंक्रीज हो सकता है विदाउट एनी नोट्स। आपको एक बार बोल दिया आपको तो ए नोटिस, ठीक है, आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर दे दिया आपका जो वैकेंसी आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बताया आप कुछ नोटिस दे के, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना होगा, इस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। इसका फुल नोटिफिकेशन इस वेबसाइट के आपको मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ITBPF दे रिजर्व द राइट टू चेंज सीक्वेंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस आफ्टर पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट। ITBPF एवर ऑल्सो रिजर्व द राइट कैंसिल पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट विदाउट एनी रीजन। आपको ये भी बोल रहा है आपका जो रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, आपको कुछ नहीं बता के रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकता है, आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, पैसे भी दे दिया, बाद में आपका फोन में मैसेज आ गया जब का रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है, आपका पैसे भी वापस आ जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट के द्वारा एग्जाम कैंसिल होगा, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया है। उसके बाद आ गया आपका जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर देख ही सकते हैं आपका आपका मिनिमम आपका एज लिमिट 20 साल से लेकर 25 साल से बीच एज लिमिट आपको होना होगा। और यहाँ पर आपको SC/OBC इनसे एक सर्विस मैन को यहाँ पर अलग से अपर एज लिमिट का छूट मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक। मैं आपको थोड़ा जानकारी यहाँ पर दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पर अंदाजा है। SC/ST को यहाँ पर 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को इनका 3 साल का छूट मिलेगा, मतलब जो SC/ST उनको 30 साल उनको एज लिमिट मिलेगा, OBC को 3 साल, एक सर्विस मैन को उनका अलग से कुछ रहता है रजिस्टर सर्टिफिकेट से कह लो, मैं ही नहीं बताऊंगा और मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मैं गलत बोलूंगा आप लोग कमेंट करके गलत हो, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे ऊपर थोड़ा टपर डाउट है, ठीक है, मैं जो जानता हूँ मैं यहाँ पर आपको बोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट देयर विथ डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय थ्रू ऑनलाइन मोड पे। आपको ऑनलाइन में जाके इस वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। आप किसी ने ऑफलाइन अप्लाई किया तो आपका आप जानते हैं जो ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्टेड आपको हो जाएगा, ठीक है। फॉर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट पे अलाउंस एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, प्रोसीड्योर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट
12 कोर्सेज एंड टेस्ट। आप लोग ये जो हेडसेट जारी हो गए, इसमें जगह आप चेक कर सकते हैं आपको कैसे ऑप्शन का आइडिया होगा, आपका कैसे पेज सब जानते होगा, आपका पेज 6 आपको दिया जाएगा। उसके साथ आपको व्यापार से DHR, ATA अलग से जो एड्स मिलता है सब कुछ आपको आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अलग से भी देख सकते हैं, आपका बस इंस्ट्रक्शन दे दिया है आपको टेस्ट कैसा होगा, आपका सिलेक्शन का आइडिया, आपका आपका टेस्ट CV टेस्ट का कैसा, सब कुछ इंस्टॉलेशन इस वेबसाइट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हैं एप्लीकेशन एडवाइस टू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट अपेयरिंग रिक्रूटमेंट पोर्टल, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको दे दिया है जैसे ITPP दस रिक्रूटमेंट वेबसाइट टाइम टू टाइम ऑल्सो एडवाइस टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर अप्लाइंग अवॉइड डिसअपॉइंटेड एट लेटर स्टेज। बोल दिया है आपको जो वेबसाइट जारी है वेबसाइट को आपको एवरीडे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि आपको कुछ न्यू अपडेट न्यू इन्फॉर्मेशन आपको वैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको देख के और आपका जो मेन जब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख के ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बोल दिया कैंडिडेट एप्लीकेशन फाउंड वॉटर सेल इशू एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपीयर रिक्रूटमेंट टेस्ट है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन में आपका एडमिट कार्ड आपको निकल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट आपको कहने से डाउनलोड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे आपको ऊपर मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। और अप्लाई करने के टाइम जेन्युइन आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको देना होगा, क्योंकि कभी कभी आपका मेल आपका जो मेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड का आपका आता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पर बोला है आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, ठीक है। ये भी देख सकते हैं फिलिंग द एप्टीट्यूड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल केस नॉन रिसीव्ड एडमिट कार्ड, हाँ ये भी आपको बोला है। आप कुछ भी टेक्निकल इशू आता है तो चल आपको वेबसाइट में कभी कभी नहीं आता है तो आपका मेल में आता है, इसीलिए यहाँ पर उन लोगों ने बोला है आपका सिलेक्शन रिस्पॉन्स कौन सी फिजिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट होगा, डिटेल्स से आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर से गवर्नमेंट पर जाएगा, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल से यहाँ पर जाके ही आपको जो टेस्ट वगैरह जो होता है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी तो जो आपका रेस होता है उसको कॉम्पीट करना होगा, आप सभी जानते हो गए यहाँ पर जो सेंट्रल आर्म फोर्स का जो यहाँ पर रहता है, ठीक है, फिजिकल तो आप सभी जानते हो गए। उसके बाद आपका हो गया जो जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इशू द फिटनेस द कैंडिडेट ऑल कंडक्टेड बाय यूनियन गाइडलाइंस फॉर द रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर GOS एंड NGO CAPF ARMEO रिक्रूटमेंट डेट फॉर द मेनी डिपेंडेंट गवर्नमेंट। अब हम ऑनलाइन में जाकर चेक कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं जो आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है फिटनेस कैंडिडेट कंडक्टेड बाय, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्या क्या आपका फिटनेस रिलेटेड आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर ऑनलाइन जाके आपका सब नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको आपको होता है वैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो आप लोग ये भी देख सकते हैं आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डेट है ओपन हो गया आपका 16 जुलाई से लेके, ठीक है, 16 जुलाई टाइम देख सकते हो, अभी क्लोज देयर 14 अगस्त। सो आपके पास सबके पास टाइम है, अभी भी फॉर्म स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, अभी भी टाइम है। अभी तो सिर्फ 9 तारीख हो गया और 16 आपको 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक टाइम आपके पास। सो आराम से लेकर ठीक ठाक फॉर्म सबमिट करने और वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड को अच्छे से स्कैन करके सब कुछ करके आपको देना होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सो PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोलना, हम रिप्लाई कर देंगे। और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं। हमारे चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देखिएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, एंड सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब लोग ध्यान से फॉलो कर देना, चलिए।